चैप्टर नंबर 9, लाइट। लाइट क्या होता है? क्या होता है लाइट, किसी को पता है? देखो, लाइट का है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज यूज टू विजुअलाइज द थिंग्स। जैसे अभी ये लाइट जल रही है, ये हमारे को चेयर दिखाई दे रही है। अगर मैं लाइट को बंद कर दूं, बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा कर दूं, एक भी लाइट ना सन की रोशनी अंदर आए, कुछ भी नहीं आए, तो ये पूरा अंधेरा हो जाएगा। कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड टू विजुअलाइज द थिंग्स। समझ आ गया? लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट। अब लाइट में तुम्हें दो पार्ट पढ़ने हैं। वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट का मतलब समझ आ गया? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को देखने में क्या काम आ रही है। और अब लाइट में दो पार्ट है, वन इज रिफ्लेक्शन, अदर वन इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट गिर रही है और इसी सरफेस से वापिस आ गई। मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एयर है। इसी मीडियम में लाइट गिरी और इसी मीडियम में क्या आ गई? वापिस आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब मान लो ये सरफेस है, इसके नीचे मान लो वाटर है, ऊपर क्या है? एयर है। तो लाइट कहाँ से गई? एयर से। कहाँ चली गई? अंदर वाटर में। तो मीडियम क्या हो गया? चेंज। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट क्या ट्रेवल करेगी? एक ही मीडियम में। लाइट किस में होगी? एक ही मीडियम में। यहाँ पे कहाँ पे ट्रेवल करेगी? डिफरेंट मीडियम में। डिफरेंट मीडियम, ठीक है। जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट एक से ज्यादा मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ना क्या क्या है? हम पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसके लॉ है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के ही दो पार्ट होते हैं, वन इज कन्वेक्स मिरर, अदर वन इज कनकेव मिरर, ठीक है। और यहीं पे हम एक फॉर्मूला करेंगे जिसका नाम क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। ये क्या खत्म हो गया? रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? लेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। फिर लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर दो टाइप के होते हैं, ऐसे लेंस में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वन इज कॉन्वेक्स, अंदर वन इज कनकेव, ठीक है। लेंस के बाद लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर, पावर ऑफ लेंस। ये चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? रिफ्लेक्शन से। तो इधर देखो, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की सिंपल डेफिनेशन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ?
लाइट किसी भी सरफेस पे क्या करी, टकराई, टकराने के बाद उस सरफेस पे क्या आ गई, वो वापिस आ गई। ये देखो जैसे ये कोई सरफेस था, ये लाइट गिरी और ये बाउंस बैक होके कहाँ चली गई, यहां चली गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरी और क्या होगी, बाउंस बैक होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। जो लाइट गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो ये सरफेस है, सरफेस की एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। बात समझ आई, जो लाइट गिर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। समझ लो, लिखना कुछ भी नहीं है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना होता है, एंगल आई। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होता है, एंगल आर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, वो लाइन सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला एंगल पूरा कितना होएगा, 90 डिग्री। कितना होएगा, 90 डिग्री। तो हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, समझ आ गई हमें क्या होती है, कि एक लाइट आई और वापिस चली गई। जैसे अब कितनी भी लाइट आए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये आई ये चली गई, वापिस आई चली गई, आई चली गई। तो इसका मतलब क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सरफेस पे आएगी, स्ट्राइक होगी और वापिस चली जाएगी। जो गिरती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं ना, इसलिए जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड है। जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे के नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, एंगल आई। नॉर्मल के ही साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल क्या कहलाएगा, आर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू में एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। देखो अब दूसरा लॉ क्या कहलाता है, ये मान लो ये प्लेन है कोई, ये क्या है, प्लेन है। तो जो लाइट गिर रही है इसी प्लेन में गिर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इसी प्लेन से निकल रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑल इंसिडेंट रे कोमा, ऑल इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। बात समझ आ गई, ये क्या था, सरफेस था, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में गिरी, रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन से हुई, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे था। तो सारे का सारे रे कहाँ का लाई कर रही है, इसी प्लेन पे लाई कर रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो। वन, ऑल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सेकेंड, एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, ये प्लेन मिरर था, इससे डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा हुआ था। कितनी हाइट का खड़ा हुआ था, एच हाइट का। कितनी हाइट का खड़ा हुआ था, मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर, जो हम घर पे देखते हैं अपनी शक्ल जिसमें। तो हमने देखा कि डी डिस्टेंस पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई।
कितने हाइट की इमेज बनी? एच हाइट की इमेज बन गई। कितने हाइट की इमेज बन गई? एच हाइट की। तो इससे क्या पता लगा कि प्लेन मिरर है हमारे पास। क्या है? प्लेन मिरर है। तो हमारी जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस से बनेगी और सेम हाइट की बनेगी और सेम साइज की बनेगी। आप पतले हो तो आपको पतला दिखाएगा, मोटे हो तो मोटा दिखाएगा। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर कोई भी चीज डिफरेंशिएट नहीं करेगा, आप जैसे हो वैसे ही वैसे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो प्लेन मिरर की पहली बात मैं क्या लिख सकता हूं, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सेम सेम साइज एंड सेम हाइट। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया, सेम साइज की बनेगी और सेम हाइट की बनेगी। ठीक है, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, सेम डिस्टेंस कहां से? सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सेम साइज, साइज सेम होएगा, हाइट सेम होएगी और मिरर से डिस्टेंस दोनों के केस में क्या होएगी? सेम होएगी। मिरर से दोनों डिस्टेंस में क्या होएगी? सेम होएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है वर्चुअल और एक होता है डायरेक्ट। पहले दो वर्ड समझाता हूँ फिर वापिस इस पे आएंगे। एक होता है वर्चुअल और एक क्या होता है? डायरेक्ट। ठीक है, और क्या होता है? रियल और इनवर्टेड। हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, तो मैं अगर मैं सीधा खड़ा हूं, ऐसी सीधी इमेज बनती है उल्टी बनती है? सीधी बनती है, मतलब ये तो नहीं है ना पैर ऊपर दिखाई दे रहे, सर नीचे दिखाई दे रहा है, सर ऊपर ही दिखाई देता है, पैर नीचे दिखाई देता है, मतलब इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है? सीधी। तो जब इमेज सीधी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, मतलब पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड बोलेंगे। देखो ये अब बात आती है दो वर्ड का मतलब, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। ये दो रे आ रही है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, यस या नो? मतलब दो रे आई आपस में मिल गई, तो इसको कौन सी बोलेंगे? रियल। क्या बोलेंगे? अब ये देखो, ये दो रे आ रही है, एक रे चली गई इधर, एक रे चली गई इधर, ये जिंदगी में कभी मिलेगी? एक्सपेंड होगी? नहीं मिलेगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? वर्चुअली पीछे एक्सपेंड करके कट करूंगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ खड़ा होगा उसको क्या लगेगा? ये कहां से आ रही है रे? इस पॉइंट से। जो बंदा यहाँ खड़ा होगा उसको कहां क्या लगेगा? ये रे कहां से आ रही है? इस पॉइंट से। तो ये जो मैं डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई, इसका मतलब होता है वर्चुअल। क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता है? रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, वर्चुअल में वर्चुअली हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखना, रियल के साथ, किसके साथ? रियल के साथ हमेशा क्या आता है? इनवर्टेड। जब जब इमेज रियल बनेगी, मतलब जब रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। और जब जब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, तो वहां पे क्या आएगा? इरेक्ट आएगा। क्या आएगा? इरेक्ट। आगे बात समझ में? तो वापिस प्लेन मिरर पे आ जाओ। अब ये क्या है? पॉलिश हो रखा है ना? प्लेन मिरर है, जैसे शीशा देखता हो तो पीछे क्या होती है? पॉलिश हुआ पड़ा होता है। यहां से मान लो ये रे आई, ये चली गई इधर रिफ्लेक्ट होके, तो ये आगे जाएगी? नहीं। तो आगे क्या करना पड़ेगा मेरे को? वर्चुअली एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्चुअली। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया प्लेन मिरर केस में? जो इमेज होती है कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट, बस एक डिफरेंस होता है, जो हमारा राइट हैंड होता है वो क्या हो जाएगा इमेज के लिए? लेफ्ट हैंड। और जो ये लेफ्ट हैंड है वो क्या हो जाएगा? राइट हैंड। तो एक होता है इन्वर्टेड का मतलब पैर ऊपर हो गया, सर नीचे हो गए, अगर 180 डिग्री से घूम रहा है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। बात समझ आई? मतलब ये था इमेज, ये बन गई। तो जो ये क्या था अभी? राइट था, तो इमेज के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इमेज के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। मतलब जब हम इमेज में देखेंगे तो हमारा क्या लगेगा? वो लेफ्ट लगेगा। क्या लगेगा? लेफ्ट लगेगा। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? प्लेन मिरर की। किसकी बात हो गई? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेम साइज सेम हाइट। सेकंड पॉइंट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। थर्ड पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, ठीक है, राइट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना यार। राइट क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा। राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब, इरेक्ट का मतलब इमेज कैसी बन रही है? सीधी बने। इन्वर्टेड का मतलब इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट। भूल जाओ तो प्लेन मिरर में याद रख ले, घर पे जो इमेज देखते हैं पॉलिश है तो आगे ले जा नहीं पाएगी, तो वर्चुअली एक्सपेंड करेंगे, वर्चुअल। और जो इमेज हमारे को दिखती है अपनी, कैसी दिखाई देती है? सीधी। तो क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बात समझे? वर्चुअल के साथ इरेक्ट है तो रियल के साथ क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अब आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे। किस पे? स्फेरिकल देखो, मैं कांच की बोल थी, मेरे पास कांच की बोल थी, स्फेरिकल बोल। उसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया। कितने पार्ट में कट कर दिया? दो पार्ट। मैंने वैसे तो तीन पार्ट हो गए, मतलब जो मेरे काम के पार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यस या नो? ये दो पार्ट मिल गए मेरे को कांच के। अब मेरे पास, मेरे को अब पॉलिश करना है। क्या करना है? अब मेरे पास दो च्वाइस है, या तो पॉलिश में कहां से कर दू, अंदर की साइड से, या मैं पॉलिश कहां से कर दू, बाहर की साइड से। तो मैंने एक केस में कहां कर दी? बाहर की साइड से पॉलिश कर दी। और दूसरे केस में क्या कर दी? अंदर की साइड से पॉलिश कर दी। जब मैं स्फेरिकल ग्लास को बाहर की साइड से, मतलब आउटर पॉलिश कर दूंगा, कहां से पॉलिश कर दूंगा? आउटर पॉलिश कर दूंगा, तो वो जो मिरर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कनके मिरर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कनके मिरर की तरह। अगर मैं अंदर की साइड से पॉलिश कर दूंगा तो मिरर किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स मिरर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर क्या होता है? जब उस मिरर की जो पॉलिश है, मैं कहां से कर रहा हूँ? आउटर साइड से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? आउटर सरफेस पे कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा मेरा? कनकेव मिरर। अगर इन साइड से कर दूंगा तो क्या कहलाएगा मेरा? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर। बात समझ आई? पॉलिश आउटर करी तो कनकेव, और इनसाइड से करी तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जितना ये पार्ट है, मतलब जहां तक रे आके इस पे स्ट्राइक कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। मतलब इसका ये पूरा डायमीटर हो गया, ये डायमीटर सा, उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर्चर। अब ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव। ढंग से इधर देखो, कनकेव मिरर से एक, इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है। कौन सी लाइन पास हो रही है? इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन इस मिरर को जहां पे कट कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? एंड डिनोटेड बाय पी। उसको किसे नोट करते हैं? पी से। ये मिरर था, मिरर से क्या पास हुई? एक इमेजिनरी लाइन पास हुई। इमेजिनरी लाइन ये मिरर को जहां पे कट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। एंड मिरर इज नोन एज, कि मिरर क्या नाम है मिरर का? इसका कनकेव। कनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसकी पॉलिश मैंने कहां से करी है? आउटर साइड से। कहां से करी है? आउटर साइड से। ये जो इमेजिनरी लाइन गई है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो ये पार्ट कट किया था मैंने, ये इस स्फेरिकल बोल से कट किया था, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर होएगा, क्या होएगा, सेंटर। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, क्या कहलाता है, रेडियस। तो अगर ये पूरा होल होता, होल की बोल होती पूरी, ये कुछ ऐसा ही होता, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होता, सेंटर। तो इस मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस कर्वेचर का सेंटर। सिमिलरली सेंटर और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गई भाई, ये पार्ट जो कट किया था इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर होएगा, तो सेंटर क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे मिरर को कट कर रही है उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पोल। क्या हुआ ना, बाहर होएगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ, क्या बोलते हैं, एफ, एंड इज दिस एफ इज नोन एज फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोल लो या फोकल डिस्टेंस बोल लो। बात आई समझ में भाई, ऐसी सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, ये कौन सा मिरर था, कनकेव। अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहां से होगी, अंदर की साइड से। एक लाइन क्या पास करा दी, इमेजिनरी लाइन, तो ये इमेजिनरी लाइन जहां पॉइंट पे कट करेगी उसको क्या बोलेंगे, पोल। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर होएगा, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, एफ हो गया। बस आ गया समझ में। तो इसकी क्या होता है, हमारा स्फेरिकल ग्लास होता है जिसको हमने कट किया। कट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, उसको हमने ये क्या किया, या तो अंदर से पॉलिश कर दो, या कहां से पॉलिश कर दो, बाहर से पॉलिश कर दो। अगर अंदर से पॉलिश करी तो मेरा क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर, बाहर से पॉलिश करेंगे तो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। करो जोट डाउन, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट कौन सा है, पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय आर। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोकल डिस्टेंस, जिसको किससे नोट करते हैं हम, एफ से। किससे नोट करते हैं, एफ से। तो एफ किसके इक्वल होता है, एफ इक्वल होता है आर बाय टू के। एफ किसके इक्वल होता है, आर बाय टू, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरा क्या, कौन सा डिस्टेंस निकल जाएगा, फोकस का डिस्टेंस निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, फोकस का आता है। फिजिकल टू कितना होता है, आर बाय टू होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन समझ आ गया, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इधर देखो, एक सरफेस ये है, लाइट गिरी चली गई, गिरी चली गई, गिरी चली गई, या सरफेस हटा दो। ये दो टाइप के सरफेस है, एक सरफेस स्मूथ है और एक कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे वैलिड होएगा, नहीं होएगा, दोनों पे वैलिड होएगा या नहीं होएगा, बताओ। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सरफेस पे वैलिड होगा, कौन से सरफेस, दोनों सरफेस पे वैलिड होएगा। बस फर्क क्या होएगा, जैसे इस केस में ये रे आई, यहाँ चली गई रे आई, यहाँ चली गई रे आई, यहाँ चली गई, तो एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या है, रे आई यहाँ चली गई, ये लो फॉल हो रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दूसरी रे आई ये यहाँ चली गई, ये भी क्या फॉल हो रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, पैरेलल रे ये आई ये गई,
रे आई या आ गई, रे आई या आ गई, तो ये क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी लॉ फॉलो होएगा बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में फॉलो होएगा, इसमें एक पैटर्न बनेगा, इसमें एक पैटर्न नहीं बनेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दोनों केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होएगा, स्मूथ में भी रफ में भी। स्मूथ में क्या होएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, रफ में कोई पैटर्न नहीं होएगा। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम मिरर की, किसकी बात कर रहे थे, मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो, वन इज कनकेव एंड अदर वन इज कन्वेक्स, ठीक है। तो जो कनकेव मिरर होते हैं वो रे को क्या करते हैं, कन्वर्ज, क्या करते हैं, कन्वर्ज। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज। अभी दिखाता हूं मतलब क्या इन दोनों का। तो अब देखो, कोई भी इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए, कितनी रे चाहिए, दो रे चाहिए। तो बुक में हमारे को चार रूल बता रखे, कितने रूल बता रखे हैं, चार। कोई भी इमेज बनाने के लिए इन चार रूल में से हमें कितने रूल चाहिए होंगे, दो रूल। तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, बाहर की साइड से पॉलिश करी है तो कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कनकेव। जब भी बाहर की साइड से पॉलिश होगी, कहां से होगी, आउटर सरफेस से पॉलिश होगी, तो कौन सा मिरर कहलाएगा, कनकेव। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे कट करती है उसको क्या बोलते हैं, पोल। उसको क्या बोलते हैं, पोल। पहला रूल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या जाती है, पैरेलल जाती है, तो कहां से कट करेगी, फोकस से। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं अगर होता है तो, ये ठीक है, चार हो गए। पहला रूल क्या होता है, अगर रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहां कट करेगी, फोकस पे। अब देखो, रे क्या थी, पैरेलल, क्या थी, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेगी, फोकस पे। तो रे आई और आपस में यू मिल गई, देखो रिफ्लेक्शन के बाद मिल गई ना, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज, क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। तो कनकेव मिरर के रूल है, किस कौन से मिरर के रूल है, कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर में जो रे होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो पहला रूल क्या हो गया, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस फ्रॉम फोकस, कहां से जाएगी, फोकस से। तो पैरेलल जा रही थी, पैरेलल के बाद कहां से कट कर गई, फोकस से कट कर गई, क्या कर गई, फोकस से। दूसरा रूल, अगर फोकस से ही मैंने पास करा दी, क्या किससे पास करा दी, फोकस से ही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब पहले वाले का उल्टा। पहले में क्या था, पैरेलल गई, कहां कट करी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे, अब कहां से गई, फोकस से गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये पीली वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या हो जाएगी, रीबाउंड हो जाएगी। रीबाउंड मतलब जिस पाथ पे गई उसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं रीट्रेस इट्स पाथ। रीट्रेस का मतलब जिस पाथ से गई थी उसी पाथ पे क्या आ गई, वापिस आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या है, कहां पे कट जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोर्थ रूल, अगर पोल पे गिर रही है, किस पे गिर रही है, पोल पे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह, मतलब ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल। तो एंगल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल आर। अब कोई भी इमेज बनाने के लिए, अभी हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें इनमें से कितने रूल चाहिए, दो रूल। पैरेलल रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहां कट करेगी, फोकस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल, फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन।
थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब क्या हो जाएगी, रीबाउंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीबाउंड। चौथा अगर पोल पे गिर रही है तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। प्रिंसिपल एक्सिस किसके तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह, किसके तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। तो ये कौन सा मिरर था, कनकेव। अब किसकी बात करेंगे, कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स के रूल देखो, कन्वेक्स के लिए पॉलिश क्या करनी पड़ेगी, इनर साइड से, तो ये इनर साइड से पॉलिश कर दी। जो ये इमेजिनरी लाइन है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा, यस या नो। अभी डॉटेड लाइन हटा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर। जिस लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोल। सी और पी के आधे को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे अच्छा, कॉपी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो देखो कनकेव मिरर रे को क्या करता था, कन्वर्ज। क्या करता था, कन्वेक्स मिरर रे को करता है डाइवर्ज। क्या करता है, देखो कैसे, रे कहाँ गई, पैरेलल। कहाँ गई, अब पैरेलल गई है तो कहां से पास होनी चाहिए थी, कहां से पास होनी चाहिए थी, फोकस से। कहां से पास होनी चाहिए थी, फोकस से। तो यहां तो जाएगी नहीं, पॉलिश है आगे, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, इसका नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ कट, आगे कट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ आई, ले गई पैरेलल तो कहां चली गई, फोकस पे। क्योंकि जो बंदा यहाँ खड़ा होएगा उसको क्या लगेगा, रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो पैरेलल रूल यही था, अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो जो बंदा यहाँ खड़ा होगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, रे ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। इतनी आई बात समझ में, पक्का? ठीक है, दूसरा रूल क्या था, फोकस से जाएगी तो, दूसरा रूल क्या था, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो ये फोकस है, ये मान लो फोकस पे आ रही है, आगे तो जा नहीं पाएगी, तो आगे डॉटेड लाइन, तो ये फोकस पे चली गई। अब फोकस चली गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। और जो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल कहां पे कट करेगा, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात आ गई समझ में भाई, पैरेलल दिए तो फोकस पे, फोकस पे आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो डॉटेड लाइन यहाँ पे, अरे डॉटेड बन जा भाई, तो ये कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर केस क्या होता है, अभी पढ़ा था, रिट्रेस इट्स पाथ। क्या कर जाती है, रीबाउंड। जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे कहा चली जाएगी, वापिस चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ले जा रही है तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे कहा चली जाएगी, वापिस। फोर्थ केस, कहाँ गिरेगी, पोल पे, तो पोल पे गिर दो, तो ये गई ये चली गई। तो पोल किसकी तरह बिहेव करेगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के। ये दोनों रूल समझ आ गए। तो कन्वेक्स मिरर देखो क्या करता है, कन्वर्ज। कनकेव मिरर देखो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, क्रॉस ओवर डाउन। अब इन रेज की हेल्प से, इन रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन चार रूल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब हमारे दो टाइप के मिरर थे, वन इज कनकेव मिरर, अदर वन इज कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं ये देखो, ये पॉइंट क्या है, पोल, दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और ये पॉइंट क्या आ गया, इंफिनिटी। ठीक है,
तो देखो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा हो सकता है, इन्फिनिटी पे, कहाँ रखा हो सकता है, इन्फिनिटी पे, फर्स्ट केस। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, क्योंकि पॉलिश कहां से कर रखी है, बाहर से, कहाँ बिठा दिया, इन्फिनिटी पे बिठा दिया। अब कहाँ बैठ सकता है, सी के जस्ट पीछे, अब कहाँ बैठ सकता है, सी पे, और कहाँ बैठ सकता है, ओ शिट, ये तो शोरे बन गया। अब कहाँ बैठ सकता है, सी और एफ के बीच में और एफ पे, और एफ और पी के बीच, तो शोरे कहाँ कहाँ बैठ गया, इंफिनिटी पे, बियॉन्ड सी, एट सी, सी और एफ के बीच में, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो टोटल कितने केस हो गए, सिक्स केसेस। तो कॉनकेव के केस में ऑब्जेक्ट हमारा छह जगहों पे हो सकता है। पहला केस कहाँ, फर्स्ट केस एट इंफिनिटी, सेकंड केस बियॉन्ड बियॉन्ड सी, थर्ड केस एट सी, फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ केस एट एफ, सिक्स्थ केस बिटवीन एफ एंड पी। तो कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट हमारा कितनी जगहों पे बैठा हो सकता है, छह जगहों पे। कहाँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी पे, सी पे, सी और एफ के बीच में, एफ पे और एफ और पी के बीच में। अब जितनी भी है, छह की छह पोजीशन है, इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, इमेज, विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स, उन रूल्स के हेल्प लेके हम इनके क्या बनाएंगे, इमेज। अगर कनकेव मिरर की जगह, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, अगर कनकेव मिरर की जगह अगर कन्वेक्स मिरर होता तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, कितने केस होते हैं, दो। पहला केस जो हमारा ऑब्जेक्ट होएगा वो कहां पे होएगा, एट इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, एट इन्फिनिटी, ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, ये पॉइंट क्या है, पोल, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। तो दूसरा केस क्या हो गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, हाँ ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के दो ही केस होते हैं, पहला केस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यहां तक का याद करो और सारे रे डायग्राम ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ, रे डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन करेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, फिर हमारा न्यूमेरिकल। हाँ ये छह के छह, आठ केसेस हो गए ना टोटल, छह कन्वेक्स के या कनकेव के, हाँ, और दो किसके, कन्वेक्स के। कन्वेक्स के दो केसेस कौन कौन से हैं, एक कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में।